वली फाउंडेशन की ओर से रविवार को एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर मिराज हुसैन ने बताया कि हमारी ट्रस्ट सामाजिक कार्यों के साथ अब पूर्वांचल के प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को जोड़कर एक मंच तैयार करेगी, जिसमें युवा और महिलाएं पूर्वांचल का नाम रोशन कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वली फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर मिराज हुसैन ने बताया, लेवल पर जो है काम कर रहे हैं और तमाम सरकारी स्कूलों में और चीज़ों में भी इनके सारे यूनिफॉर्म सप्लाई होते हैं। मैं संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर मिराज हुसैन स्थितिक विश्लेषक के तौर पर दिल्ली में, बंबई में बहुत जगहों पर मैंने काम किया। जी सलाम के साथ 2011-12 में मेरा अनुबंध था, मैंने एक शो किया आगाज़ तरक्की जो 52 एपिसोड का था। देखिए, वली फाउंडेशन बनाया गया है गोरखपुर के उन बच्चों द्वारा जो बाद में बड़े होकर कुछ बन गए, और इसका उद्देश्य है गोरखपुर में उन बच्चों की सहायता करना जो कुछ बनना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि पूर्वांचल के लोग बहुत सारे कामयाब होके देश के विभिन्न कोनों में जाके बसे, बम्बई कोई गया, कोई बेंगलोर गया, कोई चेन्नई गया, लेकिन वो वापस पलट के पूर्वांचल नहीं आए कुछ देने के लिए। तो उनको पूर्वांचल से जोड़ के जो बच्चे पूर्वांचल में कुछ करना चाहते हैं उनको लाभ कैसे मिल सके, इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए वली फाउंडेशन की स्थापना हुई। इसके साथ साथ वली फाउंडेशन छात्र छात्राओं के लिए जो सारे कॉम्पिटिशन हैं, चीज़ें हैं, वो मुहैया कराने का काम करता है। गरीबों निर्धनों को जो है अनाज बांटने का काम करता है। अभी हमने मास्क वितरण कोरोना में दसियों हज़ार से ऊपर मास्क बांटे वो, और सांस्कृतिक जो पूर्वांचल की संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं उस पर जो है वली फाउंडेशन काम करेगा। अभी वली फाउंडेशन अगले माह से जो है एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है जिसमें छात्रों की जो कैरियर काउंसलिंग है उस पर जो है जो भी किया जा सकता है वो करने के लिए उसमें छात्र आएंगे, रजिस्टर करेंगे। और वो दूसरी तरफ हम मेडिकल कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं शहर में बड़े पैमाने पर, जिसमें हर सप्ताह एक क्षेत्र को चुनकर वहाँ कैंप लगाया जाए। उसके साथ साथ जो है पूर्वांचल की संस्कृति के संरक्षण और पूर्वांचल के खान पान और व्यंजन के संरक्षण के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं इसका प्रचार प्रसार जो दिल्ली में या और जो जो है पूर्वांचल के लोग जहाँ भी हैं उनको जोड़ के इसके प्रचार प्रसार के लिए देश भर में काम किया जाए, यह है। और सबसे बड़ा इसका मुख्य लक्ष्य है कि गोरखपुरिये जो भी रहे हैं कहीं भी हों उनको जोड़ के उनका एक रजिस्टर बनाना कि वो वहाँ पहुँच के आज सफल हो गए तो कल जो गोरखपुर का बच्चा सपना देख रहा है सफल होने का उसको उस व्यक्ति से जोड़ दिया जाए। मान लीजिए एक बच्चा है वो गायक बनना चाहता है और एक गायक है बम्बई में सफल हो गया है, वो गोरखपुर का है, तो कम से कम उसके माध्यम से वो सफलता को प्राप्त कर सके, ये हमारा जो है लक्ष्य है। हमने एक भोपाल में एक बहुत बड़ा आयोजन किया पूर्वांचल के लोगों का और उसमें करीब हज़ारों लोगों को जोड़ा, और एक बड़ा आयोजन जिसमें वरुण गांधी जी हमारे जो है जो माननीय सांसद हैं उनको हम चीफ गेस्ट के तौर पर ले गए, और वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा रजिस्टर बनाया भोपाल में लोगों का, और वो पूर्वांचल के लोगों को आज हमने एक वहाँ पे एक क्लब स्थापित कर दिया जो क्लब पूर्वांचल के लोगों का है, और अब इसी तरीके से गोरखपुर में भी हम क्लब स्थापित करेंगे। हमारा मामला ये है, मानना ये है हमारा कि जो गोरखपुर है, बम्बई है, दिल्ली है, जो भी टॉप सिटीज़ हैं उनमें एक एक क्लब पूर्वांचल के लोगों का बना के उनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाए जिससे अगर भोपाल कोई बच्चा जा रहा है यहाँ से तो उसको आसानी हो सके। दूसरा आपने काम पूछा तो दूसरा काम हमने ये किया कि हमने अब तक कम से कम 40 से 50 बच्चों को जो गोरखपुर से गए या पूर्वांचल के किसी एरिया से गए और जाने के बाद वो कहीं फंस गए, कोई परेशानी में आ गए दिल्ली में, उनके प्रिवर्वेशन के लिए चाहे वो पुलिस का मैटर हो गया हो चाहे कोई मैटर हो गया उसके लिए संस्था लगातार रूट लेवल पर काम करती रही। लेकिन हम मीडिया के सामने अभी तक इसलिए नहीं आए क्योंकि कोई कंक्रीट प्लान अभी तक हुआ नहीं था। नहीं, कोचिंग हमने अभी शुरू नहीं किया, हमारा व्यवस्था, हमारी कोचिंग की व्यवस्था ही नहीं, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। हमारी व्यवस्था ये है कि मान लीजिए कि ये है कि गायक बनना चाहते हैं और बम्बई में एक गायक है, अगर इनको बम्बई में वहाँ कनेक्ट कर दिया तो बहुत सारा जो रास्ते का परेशानी है उससे बच जाए, हमारी कोशिश ये है। और इसी पर अब हम गोरखपुर में काम करना चाहते हैं कि गोरखपुर में जो भी बच्चे हैं और पूर्वांचल में इसके इर्द गिर्द, पहले हम गोरखपुर और इर्द गिर्द की बात करेंगे, जो भी लोग हैं इसमें सफल होना चाहते हैं उनको जोड़ के उनकी कैरियर काउंसलिंग और उनके प्रेजेंटेशन के लिए एक पोर्टल हम लॉन्च करने जा रहे हैं अगले महीने। अच्छा, ये है।